हिंद जय भारत। मैं फातिमा निखत आपका स्वागत करती हूं BTS न्यूज़ चैनल में। हर पल की खबर आप तक, आइए देखते हैं आज के समाचार। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई नवाब साहब कुंटा रिजवान होटल के पास ये डब्बे तोड़े जा रहे हैं, पूरा ओल्ड सिटी में तोड़े जा रहे हैं। मगर इतला के तोड़ रहे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ भी नहीं, कहाँ पे भी नहीं। तोड़े थोड़ा वक्त तो देना। अब ये लोग कहाँ जाना बोलो आप लोग, उन लोगों के घर सब इस पर ही चलने वाले है। हुकूमत से मुतालबा ये है कि कहीं भी अच्छी जगह जाने तो उनका कुछ मुआफ़ा या नुकसान हो गया है उसकी भरपूरी करे सुने, और कोई उनको अच्छे से अच्छी जगह कहाँ पे तो भी ऐसा फिक्स होने की वो करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम ये जा रहे हैं, हमारे MP साहब से गुजारिश है हमारी, ऐसा गरीब उठा दिए कर दिया तो ऐसे गरीबों के पेट पर ये काम है इनका, और दूसरा काम कुछ भी नहीं है साहब। घर चलता है यही काम से, 500-600 रुपये जो भी कमाएंगे यही कमाते साहब। अब ऐसा उठा लेंगे कर लेंगे आप लोग तो हमारे हम किसके नहीं जाएंगे साहब, कहाँ जाएंगे आप ये बोलो साहब। तो हम खाली पीली के ये ब्लैक काम कर लेते फिर ना पड़ता साहब किसके भी साथ। आपसे गुजारिश है हमारे MP साहब से, खुशी चल रही है हमारे MP साहब से गुजारिश है मेरी, जिसका जिसका नुकसान हुआ आप ठहर के जिला जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। MP साहब हमारे भरतर अच्छुद्दीन अवेशी साहब से, हमारे अकबर साहब से, पूरा किसी को हमारे हुकूमत पे भरोसा नहीं है साहब, किसी के भी ऊपर हमारे MP साहब के ऊपर भरोसा है। हमारी जान है वो और हमारे पूरा यकीन है इंशाल्लाह ताला बराबर इन काम करेंगे हमारे लिए, गरीबों के लिए हकीकत काम करना है इनको। मुसलमान के लिए इन्हों काम नहीं करे हमारे लिए तो अपने मुसलमान मर जाएगा, बेरोजगार हो गए हम लोग। कई गरीबों के बेवाओं के डब्बे है साहब, कई बेवाओं के डब्बे है साहब, कैसा खाएंगे आप लोग ये बोलो। लोग बड़े बड़े जिसके ना पैसा है वो लोग खा लेते हैं साहब, करोड़पति है तो वो लोग बैठ के कैसा भी खा लेता है, ये गरीब आदमी कैसा खाएंगा ये बोलो, किस तरीके से कमा के खाएंगा आप बोल दो। MP साहब हमारे को एक बार गुजारिश है MP साहब, हाथ जोड़ के भरो MP साहब के हमारे, मेहरबानी, ये गरीबों का नुकसान आपसे बस इसकी गुजारिश है साहब, थोड़ा हमारी लिए हेल्प कर दो बस। आप भाई मेरा नुकसान हो गया, मोहम्मद सलीम, मेरे साथ मैं नया डब्बा बना के बिठाया भाई, साल दो साल भी नहीं हुआ, 1.5 लाख का लगा हुआ डब्बा बिठाया मैं, कम से कम 19 साल से यहाँ पर हूँ, कारोबार कर रहा हूँ मैं। छोटा मोटा डब्बा था उसमें जो है ना टूटा फूटा डब्बा था, तो जो है पानी आ रहा बोल के दूसरा डब्बा बना लिया, वहाँ से यहाँ से फाइनेंस लेके बनाया। अब बना के जो है ना आके जो है ना पूरा जो है तोड़ दिए, निकालो निकालो बोले तो कैसा निकालेंगे, एक दिन का टाइम भी नहीं दिए। तो आप कचला भी नहीं करें? नहीं करें, हमारे को कुछ भी नहीं करे, खाली शाम में मगरिब में कल बोले मगरिब में उठा लो बोले तो कैसा उठाएंगे भाई बोलिए। अब आगे हमारे को जो है ना कम से कम 1,60,000 रुपये नुकसान हो गए, नया डब्बा बना के बिठाया था मैं, अब क्या करूँ मैं, किधर जाऊँ बोलो। हमारे को नहीं बोले, पुलिस वाले बोले ना, कोई आके बोला नहीं। हाँ अब उठा लेके जाओ बोले तो किधर जाएंगे आपका गुजारा, अब इसमें कैसा होऊंगा मैं, हमारा गुजारा कैसा होऊंगा, हमारा को जो है ना खिलाने इसके ऊपर जो है ना 8-10 आदमी पलते। हाँ आप लोग जो है ना उठा लो बोले तो कैसा उठा लेंगे बताओ। हाँ उठा ले, पूरा तोड़ दिया मेरा डब्बा, पूरा टूट गया, अब क्या करूँ मैं, हुकूमत क्या कर रही, किसको क्या दे रही, आके देखना नहीं मालूम। हाँ क्या है हमारे साहब लोग क्या कर रहे हैं, हमारे को मार डाल रहे, तकलीफ दे रहे हैं हमारे को, और क्या करते हैं, तकलीफ है। लॉकडाउन ऐसा तो ये लॉकडाउन लगा है, अरे कितने लॉकडाउन करेंगे, वो लॉकडाउन में इतनी परेशानी, महंगाई के दौर में फिर महंगाई, ये भी अलग, क्या करेंगे किधर जाएंगे आप बताओ, आप किधर जाएंगे क्या करेंगे, कोई तो वजह हो ना। हाँ परेशानी है, अरे महंगाई होते होते लॉकडाउन हो गया बाबा, उसमें परेशान, अब ये करेंगे बोले तो ये परेशानी, अरे किधर, अरे गरीबों को अगर हटाना है तो जहर तो भी डालो या पुलिस के गोलियां तो भी मार डालो या पूरे जोर बच्चों का समझ मार डालो, तुम घर को बर्बाद कर डालो, सबसे अच्छा है ये, हमें अल्लाह की राह में चलने वाले, अल्लाह की राह में वो लोग नहीं चल रहे, अरे गरीबों को नुकसान पहुँचाएंगे तो कैसा होगा, उनका कैसा चलेगा, रोजी रोजगार कैसा चलेगा, अब घर कैसा चलेगा मेरा, कौन देते मेरे को, आप भीख मांगू या लाके जो है ना यहाँ पे जो है ना रोड पे ला के अंगा ला के दला के मार डालू सबको बोलो आप, अरे क्या मुसीबत है भाई, अरे इंसान है कोई जानवर तो नहीं है, जानवरों के जैसा सुलूक कर रहे, अरे
क्या परेशानियां हमें गुजर रहा क्या नहीं, ये नहीं देख रहे, खाली तोड़ो। अरे कितनी महंगाई हो गई भाई, फिर भी जो है 500,000 कुछ सौ भी 500-600 करोड़ कमा के जीने वालों को भी ये भी जीने नहीं दे रहे, ये भी अच्छा नहीं दिख रहा। मार डालो आप लोग का, मार डाले तो अच्छा है, जहर डालो नहीं तो, जहर डाल के मार डालो सबसे अच्छा है। अल्लाह के ऊपर हमारे बस वहीं झुकना पड़ेगा जो भी रहेगा, बस आपके एम पी साहब से हमारी खुशी गुजारी है मेरी, ऐसे कई गरीबों के आप हेल्प करो साहब, बस और कुछ भी नहीं, आप हेल्प करो साहब। क्या बनता है यहाँ पे, वही गाड़ी होने आप जानते हैं तो कितनी गुंडी बनती हुई है। सुने क्या करते गरीबों के पेट को तो लात मार दी है, अब क्या बनता है कचरी गुंडी तो गाड़ियाँ रखते हैं और क्या होते है, बल्कि वही तो पेशाब खाना कचरी गुंडी गाड़ी पर किसी का पेट पलने ऐसा तो नहीं देते आप लोग। नाला है सुने वही है यहाँ पे, आप उन्हें करना अब देखो आप 10 दिन तक रहता है, इसके बाद क्या होता है देख लो, यहाँ पे गाड़ियाँ ठहरते ये तो कचरी गुंडी हो जाती है। नहीं, नाला नहीं बना है। एक चीज को नहीं समझा था कि तुम्हारी माँ के क्या गरीब पर मारे थे, पेट पर मारे रहे तुम्हारी माता, तुम्हारी माँ को चाहो तुम जिंदगी में अल्लाह के राज में तुम पर अच्छी लागू पड़ेगी, तुम्हारी माँ का बोला तुम कहीं क्या नहीं रहेंगे, कहीं क्या नहीं रहते माँ के बोले गरीबा के पेट पर ला पा रहे कहीं क्या नहीं रहेंगे, इनकी माँ का तुम रहेंगी रहेंगी माँ का अच्छी देंगे माँ का लोगों को डालो 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 मुख्य में डालो माता बोलो। अरे कितना 10 रुपए। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए BTS News, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।